हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देसी विलोक राजस्थानी खाने में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भत्ते की सब्जी और अरवी की सब्जी। तो आप मेरी रेसिपी देखना, आपको मेरी रेसिपी कैसे लगे। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये हमने गट्टे तैयार कर लिए हैं। हमने 3 चम्मच बेसन लिया था, उसमें मौन डाल के नमक हल्दी और मिर्ची डाल के बेसन गूंद के और गट्टे बना लिए थे। ये हमारी पतली पतली कटी हुई अरवी तैयार है, चॉप किए हुए ऑनियन तैयार है और कुटा हुआ लहसुन है। ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डाल दें। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम प्याज डालते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे। इससे गट्टे की सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है। इसको हम ब्राउन करेंगे, प्याज को हम ब्राउन करेंगे। हमने 100 ग्राम दही ले लिया है। दही में अब लहसुन डाल के मसाला तैयार करेंगे। दही में लहसुन डाल दिया है, अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हल्दी डालेंगे, धनिया डालेंगे और मिर्ची डालेंगे। अब मसाले को हम एकदम फेंट लेंगे। ये हमारे प्याज हो रहे हैं, ब्राउन होंगे तब तक हम इसे पकाएंगे। फिर इसमें हम ग्रेवी के लिए मसाला डालेंगे, दही और लहसुन का। प्याज हमारे पिंक हो गए हैं, अब इसमें हम दही का मसाला डाल देते हैं। इसमें लहसुन है, अदरक है, दही है। ये अपने राजस्थान के गट्टों की सब्जी जो घर घर में बनती है। अब ये ग्रेवी छोड़ेगी, जाली पड़ेगी, फिर इसमें हम गट्टे डालेंगे। इस साइड हमने तेल चढ़ा दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें आप तेल डालेंगे। ये हम 2 चम्मच तेल डालते हैं। अरवी की हमने पूरी तैयारी कर ली है। थोड़े प्याज लिए हैं, थोड़ा लहसुन लिया है और हरी मिर्ची ली है अरवी में। तेल गरम होगा तब अरवी हम तेल में डाल के फ्राई करेंगे। तेल हमारा आ गया है, इसमें अब हम अरवी डाल देते हैं। और इसको एकदम फाइन फ्राई करेंगे। ये हमारी दही की ग्रेवी तैयार हो रही है। तब तक हम गट्टे काट लेते हैं। ये गट्टे बहुत सॉफ्ट बने हैं। हम सारे गट्टे काट लेंगे। ये हमने सारे गट्टे काट लिए हैं,
अब हमारा मसाला फ्राई होगा, तब हम मसाले में एकदम गट्टे डाल के बॉईल करेंगे। ग्रेवी में जाली पड़नी शुरू हो गई है, तेल छोड़ दिया है। मैं ऐसे करके पूरी ग्रेवी को हमेशा पकाती हूँ। अभी इसमें और जाली पड़ेगी। ये हमारी अरवी भी फ्राई हो गई है, इसमें अब हम मिर्ची डालेंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे। इसको हम केवल फ्राई करेंगे अरवी को। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, एकदम शानदार। अभी इस वक्त हम इसमें गट्टे डाल देंगे जो हमने काटे थे। गट्टे डालने के बाद इसमें हम पुदीना डालेंगे। ये पुदीने के गट्टे बहुत टेस्टी लगते हैं, इनकी खुशबू पूरी सब्जी में टेस्ट भर देती है। ये हमारे मारवाड़ी राजस्थानी गट्टे। अरवी को हमने एकदम शानदार फ्राई कर लिया था, अब इसमें थोड़ी सी हम अमचूर डालेंगे। अमचूर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी का ऐसे खट्टा देंगे, जिससे अमचूर का टेस्ट बैलेंस हो जाए। ये हमारी शानदार अरवी की सब्जी भी तैयार है, अरवी मिर्ची की। गट्टे की सब्जी में उबाल आ गया है, ये बहुत टेस्टी सब्जी है। ग्रेवी सब अपने हिसाब से करें, हमारे ये चूर चूर के खाते हैं सब, इसलिए हमने ग्रेवी ज्यादा रखी है। पूरे घर में गट्टे की सब्जी की खुशबू हो गई है। ये हमारे गट्टे की सब्जी एकदम तैयार है, अभी हम सर्व करेंगे, सबको खाना खाएंगे। अरवी की फ्राई सब्जी एकदम तैयार हो गई है, मस्त। थैंक यू दोस्तों, आप मेरा चैनल पूरा देखा करो। थैंक यू। हेलो, बहुत टेस्टी बनी है गट्टे की सब्जी।